क्योंकि मैंने इस रोटी के लिए बहुत औखा टाइम काटा था, चूल्हे के कोयले खा के अपना टाइम पास करा चंडीगढ़ में। ना खाने के लिए रोटी होती थी ना कुछ होता था। तो हिम्मत करने वाले ना मैम, कभी घबराते नहीं है ना रोते हैं, और आप अपने बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दे रहे हैं। ऐसा अपना गुड़िया को डॉक्टर बनाना है, अपना गुड़िया को डॉक्टर बनाना है। ऐसे इमोशनल नहीं होते आप, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको तो लोग सल्यूट कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस भी ये वीडियो देख रही होगी। तो अगर हम हेरा फेरी चोरी करें तो कुछ नहीं रखा है उसमें, ईमानदारी में सब कुछ रखा है। कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना, क्योंकि वक्त कैसा होता है किसी को कोई पता नहीं। मैंने पहली बार टूटे टेबल के ऊपर कड़ी राजमा चावल लगाए थे। अकेली करते हैं? हाँ जी। सिंगल वुमन आर्मी। 10 मिनट बाद किसी ने मांग लिया कि हमारा टेबल दे दो, ने वापस कर दिया तो मैं नीचे लगाती थी। तो सोते कितने बजे? सोते तो बहुत कम हो गया। हाँ, मेहनत करना, ईमानदारी सबसे बड़ा गहना है। तू क्या करना, मजबूरियां करवा रही है। हाँ जी दोस्तों, मोहाली आए थे 3A में, भाई साहब चलते चलते हमारे को एक बहुत ही जबरदस्त प्यारा कार्ट मिला मैम का, और भीड़ लगी रहती है, दोपहर का टाइम हो रखा है। हाँ जी नमस्कार मैम, कैसे हैं? बढ़िया है, आप सुनाइए। अच्छा बढ़िया जी, सबसे पहले नाम बताइए जी अपना नाम, क्या शुभ नाम आपका? सपना। सपना। हाँ, तो मैम कितने सालों से चला रहे हैं कार्ट यहाँ पर? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। हाँ जी। तो 9 साल से मैम पूरी दीवानगी है फूड को लेकर, लोग दोपहर में भी खाने आते हैं। ये कार्ट सुबह भी ओपन होता है कि दोपहर का ही खाना रहता है? नहीं, सुबह 6:30 बजे आते हैं। सुबह 6:30 बजे आते हैं। हाँ जी। तो मैम प्रिपरेशन सारा कुछ यहीं पर होता ही है खाने बनाने की? हाँ जी। अच्छा जी, तो ये दोपहर में परांठे खा रहे लोग, राजमा चावल कड़ी चावल का टाइम होता है दोपहर में, तो आप परांठे खिला रहे हैं। परांठे ज्यादा फेमस हैं आपके यहाँ के? हाँ जी। अच्छा जी, ज्यादा फेमस। क्या बात है। तो मैम परांठों में क्या लगा रहे हैं आप? परांठों में घी रहता की ऑयल? घी है, दाल है, रायता है, चटनी। अच्छा, खाने में। तो ये परांठे की प्लेट लगा रहे हैं आप ना? हाँ जी। तो क्या प्राइस रहता है परांठे? हमारा 30 रुपए है भाई साहब। 30 रुपए की प्लेट है। हाँ, उसमें दाल सब्जी भी डाल के देते हैं आप? हाँ जी, दाल है, रायता है और चटनी है जी। तो मैम कैसे सोचा आपने बींग अ लेडी काम करने का, स्ट्रीट पर एक रोड साइड काम करने का? इससे पहले भी काम करते थे आप कहीं? हाँ जी। कहाँ पर? मैंने करा B128 में, कंपनी में। अच्छा जी, हाँ जी। तो वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ डेंटल का था। हाँ जी, डेंटल। डेंटल का? हाँ जी। तो आप, आपके हस्बैंड भी यहाँ पर जॉब करते हैं आपके साथ? नहीं जी, अकेले। अकेली करते हैं? हाँ जी। सिंगल वुमन आर्मी। हाँ, अकेली संभालते हैं। सुबह 6 बजे आते हैं। हाँ, तो बच्चे स्कूल भी जाते हैं आपके? हाँ जी। कौन कौन सी क्लास में? एक 5, चौथी में, एक दूसरी में। अच्छा, चौथी और दूसरी है। हाँ, तो उनको स्कूल आप पहले भेजते हैं? हाँ जी, उनको यहीं से हम तैयार रेडी करके तब भेजते हैं। अच्छा, यहीं से रेडी कर कर आप उनको स्कूल भेजते हैं? हाँ जी। अच्छा जी, लोकली यही नजदीक पढ़ते होंगे स्कूल ना? हाँ जी, शास्त्री मॉडल। अच्छा, शास्त्री मॉडल में। तो आप पहले यहाँ पर आ जाते हैं, प्रिपरेशन खाना खुना चूल्हे में रख के बनाकर, साथ ही साथ बच्चों को तैयार कर उनको स्कूल भेजते, फिर आप बैक टू वर्क यहीं पर आ जाते हैं ना? क्या बात है। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं जी? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। तो आप शुरू से चंडीगढ़ के रहने वाले मैम? नहीं, हिमाचल। हिमाचल। तो हिमाचल से मैम यहाँ पर कैसे आए चंडीगढ़ मोहाली में? शादी करके आए थे। शादी कर कर? हाँ जी। अच्छा, पहले हिमाचल है। जो आपके हस्बैंड हैं, सर हैं, वो हिमाचल के ही थे? हाँ जी। अच्छा जी, क्या बात है। तो मैम ये दिखाएंगे, अभी तो आप काम कर रहे हैं, ये क्या क्या रहता है यहाँ पर जायका? सर दिखाएंगे क्या क्या रहता है खाने में? ये मिक्स वेज है। ठीक है जी, ये दाल है, चला के दिखाना किस चीज़ की दाल है। दले छोले की दाल, चने की। ये राइस, राइस आ जाते हैं। ये रायता, क्या बात है, बूंदी का रायता। और ये साथ में ये भी दाल है। मैम ये बताइए, जैसे आप परांठे की प्लेट तो 30 रुपए का बता रहे हैं प्राइस। हाँ, तो ये जैसे राइस वाली प्लेट लेनी हो है ना, चपाती की है ना, खाने की थाली, वो कितना प्राइस है उसका? खाने की थाली हमारा 60 रुपए प्लेट है, उसमें 5 चपाती है, दाल है, सूखी सब्जी है, रायता है जी, और सलाद है। सलाद है। और चावल फुल प्लेट चावल की 50 की है जी, उसमें दाल है, रायता है, चटनी है जी, और सलाद है। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये 50-60 रुपए का, ज्यादा प्राइस नहीं रखा आपने ना? हाँ जी, 30 रुपए का परांठा है। अच्छा, 30 का परांठा है। जैसे दो लेने हो परांठे तो कितना, क्या प्राइस रहेगा उसका? 60 रुपए। 60 रुपए। मैम इसके बाद कुछ सोचा आप, इसी में खुश है कि अपने रेस्टोरेंट खोए, आपका कुछ सपना लेके चल रहे हैं? चल रहे हैं सपना, गुड़िया को डॉक्टर बनाना है। क्या बात है भाई साहब, इसलिए गुड़िया को डॉक्टर बनाना, इसलिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप भी सर भी है ना? हाँ जी। तो ये सोर्स ऑफ इनकम आपका यही है? हाँ जी। और सर का जो आपने बताया है ना? हाँ जी। दूसरे बच्चे को क्या बनाना है? एक को तो डॉक्टर बनाना है आपने, एक को पुलिस में भेजना है, जो ईमानदार पुलिस अफसर बने जी, जो सबकी सेवा करे, बेटर है गरीब के की मदद करे। क्या क्योंकि मैंने इस रोटी के लिए बहुत औखा टाइम काटा था,
चूल्हे के कोयले खा के अपना टाइम पास करा है चंडीगढ़ में। ना खाने के लिए रोटी होती थी ना कुछ होता था। हाँ जी। आज जो कुछ हूँ अपनी गुड़िया की बदौलत हूँ। जी हाँ, माता रानी का आपके घर में प्रवेश हो गया। हाँ जी। तो मैम ऐसे हिम्मत नहीं हारते, ऐसे इमोशनल नहीं होते, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको तो लोग सल्यूट कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस भी ये वीडियो देख रही होगी, तो हिम्मत करने वाले ना मैम कभी घबराते नहीं है ना रोते हैं। और आप अपने बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दे रहे हैं, आप और सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, रोड साइड काम कर रहे हैं, तो जरूर वो डॉक्टर बनेंगे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनेंगे, है ना। हाँ जी। और हिम्मत कभी नहीं हारनी आपने, हिम्मत हौसला रखेंगे तो सब कुछ होएगा। आज परमात्मा आप यहाँ पर हैं, कल को और अच्छी जगह भी जाएंगे, क्या पता बच्चे आपको अच्छे लेवल में लेके जाएं, है ना। मतलब आप क्या कहना चाहोगे, जैसे गर्ल्स और लेडीज काम करती, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहती हूँ अपना ईमानदारी से काम करें, एक दिन तो भगवान सबकी सुनता है। जी। क्यों नहीं सुनता, अगर हम हेरा फेरी चोरी करें तो कुछ नहीं रखा है उसमें। जी। ईमानदारी में सब कुछ रखा है। जी। जे ईमानदारी से करोगे जिंदगी में कामयाब जरूर होगे। हाँ, मेहनत करना, ईमानदारी सबसे बड़ा गहना है। हाँ जी। कभी हेरा फेरी, कभी चोरी मत करना। जी। कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना। जी 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 जी। क्योंकि वक्त कैसा होता है किसी को कोई पता नहीं, किसी को अगर हम ईमानदारी से करेंगे तो ऊपर वाला हमारी जरूर मदद करेगा। जी जी, जी। सबको काम करने चाहिए। पहले आप तो कह रहे थे डेंटल में जॉब करते थे। हाँ जी। अब यहाँ पर आ गए तो उस टाइम आपको मन में हेजिटेशन रहती थी कि यार मैं स्ट्रीट साइड काम कर रही हूँ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैंने पहली बार टूटे टेबल के ऊपर कड़ी राजमा चावल लगाए थे, टूटे टेबल पे। जी। वो भी 10 मिनट बाद किसी ने मांग लिया कि हमारा टेबल दे दो। हाँ जी। फिर वो टेबल हमने वापस कर दिया, तो मैं नीचे लगाती थी। अच्छा जी, क्या फिर धीरे धीरे मैंने अपनी मेहनत करी, बहुत स्ट्रगल करी आपने। हाँ, है ना? जी, 9 साल हो गए करते हो, अकेली ने करा। हाँ जी। पर बट मेरे मतलब ये सारे जान पहचान वाले सब ने बहुत मदद करी है। जी 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 जी, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। हाँ जी। और आपके हस्बैंड भी पूरे डटकर आपका साथ निभाते रहे, उन्होंने भी आपका साथ निभाया, आपने भी उनका, ना। तो मैम काम के बारे में क्या कहना चाहोगे, काम कोई छोटा बड़ा होता है? नहीं जी, छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता, सिर्फ अपनी ईमानदारी सबसे बड़ी होती है। ईमानदारी सबसे बड़ी होती है। चलो मान लो किसी की चीज हमारे ढाबे में भी रह जाती है। जी। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबको कि वो चीजें कस्टमर की वापस उसको दी जाए। जी जी। ऐसा कभी ना सोचो कि चीज रहेगी हम रख लें, नहीं जी। ऐसा कभी ना सोचो, उस इंसान ने कैसे बनाया होगा, कैसे उसने आगे कमा के जोड़ा होगा। हाँ जी। मैं यही ऑल इंडिया में सबको कहूंगी कि अपनी मेहनत की कमाई से जो नजारा है वो किसी में नहीं है। हक नाल की कमाई से। हक नाल पूरा। जे आप सोचोगे कि नहीं कि हम इसके दौर पे रह गए, कोई नहीं वापस करेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं है। जी, उसको जी। फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपका जैसे आप किसी के 10 रुपए एक्स्ट्रा लोगे ना। जी, जी, जी। वो आपका दवाइयों में जाएगा। इससे किसी गरीब की मदद करो, उससे आपको क्या बात हर सुख मिले। मैम जैसे कभी कोई जरूरतमंद आ जाता होगा। हाँ जी, मैं सबकी मदद करती हूँ, क्योंकि टाइम काटा है मैंने बहुत। अभी मेरे पास इतना, मैं किसी को लूटती नहीं हूँ। जो नया पुराना जो मेरा रेट शुरू से है वो ही अभी तक हम ये देते हैं। किसी को हमारा लूटना नहीं है। जब किसी के पास नहीं है तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं, अगली बार दे देना, नहीं है तो ना देना। क्या बात। तो मैम बच्चों को स्कूल लेने कितने बजे जाते हैं? हम जाते हैं जैसे पेपर लगे हैं तो 12:30 चले जाते हैं। कई बार लेट हो जाते हैं तो किसी को बोल देते हैं तो वो ले आते हैं हमारे। तो क्लोजिंग कितने बजे करते हैं हम काट के? रात को 11 बजे। 11 बजे। फिर सुबह जल्दी, फिर 6 बजे उठना। तो सोते कितने बजे? सोते तो बहुत कम होंगे आप। तो क्या करना, मजबूरियां करवा रही है। हाँ जी, सिर्फ मजबूरी है। चलो मैम, आज दुख कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं हम, तो यही चाहेंगे कि भगवान आपका एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट दे आपको, और सबसे पहले कस्टमर हम हुए। ठीक है जी। तो मैम एक परांठे की प्लेट मेरे लिए भी लगाइए। ये रायता आ गया बूंदी का, ये इमली की चटनी आ गई खट्टी मिट्टी, सैलेड आ गया। ये चटनी डाली थी ना? हाँ जी। चटनी किस चीज की रहती है? चटनी इसमें डलता है प्याज, हरी मिर्च, धनिया। अच्छा, इमली, फिर क्या कहते हैं उसको, थोड़ी चीनी। चीनी तो डेली नबी बनाते होंगे चटनी, तो लोग दीवाने होंगे, खा देते होंगे, खत्म कर देते होंगे। ये देखो अभी खत्म हो गए, ये भरा हुआ था। भरा हुआ था। हाँ जी। लोग कहीं ऐसे परांठे के चक्कर में चटनी तो नहीं ज्यादा खाने के लिए आ जाते? नहीं नहीं, परांठे ज्यादा फेमस है। परांठे ज्यादा फेमस। डेली जो बंदा एक खाता है वो डेली 2 या 3 खाएगा। क्या बात है। चलो ऑल द बेस्ट है जी, थैंक यू मैम, थैंक यू टाइम देने के लिए। और ढाबे का नाम है हमारा नीचे, आप एक प्लीज एक बार पढ़ लेना। और इसको जी आया नु वाहेगुरु जी दा ढाबा। क्या बात है, आप रहने वाले हिमाचल के हैं? हाँ जी। तेरे का पंजाबी में लिखा हुआ ढाबे। वाहे गुरु ने इतना सब कुछ दे दिया इस नाम ने हमें। हम ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना अंडा, ना मीट अपने ढाबे पे नहीं, प्योर वेज है। क्या बात। कोई भी आके चेकिंग कभी भी कर ले, हमारे पास ऐसी कोई चीज। और आप हर धर्मों को रिस्पेक्ट करते हो। मैंने देखा माता रानी की फोटो लगी हुई है, गुरु नानक देव जी की लगी है फोटो ना। ये वाली प्लेट रहती थी? क्या बात है भाई साहब, साइज देख लो परांठे का,
तो मैम किसने खाने के लिए आना हो, कहाँ पर आएगा, लोकेशन क्या पड़ती है? 3A मोहाली सेक्टर 53 कामा होटल के सामने। अच्छा ये कामा होटल। अच्छा उस होटल के सामने आपका कार्ट है। हाँ जी। क्या बात है। और मैम आपने हमारे को टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।